नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में इन दिनों आंखों में संक्रमण की समस्या कंजक्टिवाइटिस या पिंक आईज काफी तेजी से बढ़ती देखी जा रही है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अस्पताल में आंखों की कई समस्याओं जैसे लालिमा, खुजली, दर्द, जलन, चुभन के साथ लोग आ रहे हैं। दिल्ली में पिछले दिनों हुई तेज बारिश और बाढ़ ने इस प्रकार के संक्रमण के खतरे को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि सभी लोगों को आई फ्लू से बचाव को लेकर सावधानियां बरतते रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि दिल्ली में कंजक्टिवाइटिस का खतरा तो है, लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी प्रकार की संक्रामक बीमारियां का जोखिम भी बढ़ते हुए देखा जा रहा है। बाढ़ की स्थिति में रोगजनकों के खतरे को बढ़ा दिया है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उनमें इसके कारण बीमारियों के विकसित होने का जोखिम हो सकता है। आपको बताते चले कि बाढ़ और दूषित जल ने संक्रामक बीमारियों का जोखिम बढ़ा दिया है। दूषित जल की वजह से पाचन स्वास्थ्य में संबंधित दिक्कतें बढ़ रही हैं और इसके साथ ही इन दिनों जल जमाव की स्थिति भी है, जो मच्छरों के प्रजनन के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। और यही वजह है कि इन दिनों कई प्रकार की मच्छर जनित बीमारियों का खतरा काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और वो आपने देखा भी होगा। बता दें कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि सिर्फ आंखों की समस्या ही नहीं बल्कि इन बीमारियों से बचाव को लेकर भी लोगों को विशेष सावधानी बरतते रहने की जरूरत है। कंजंक्टिवाइटिस के अलावा इन दिनों दिल्ली में डेंगू के मामले भी बढ़ते हुए रिपोर्ट किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में डेंगू के खतरनाक स्ट्रॉन टाइप 2 के मामले देखे गए हैं। जांच के लिए भेजे गए 20 सैंपल्स में से 19 में डेंगू के टाइप 2 के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस स्ट्रेन में संक्रमण की स्थिति गंभीर रोग कारक हो सकती है, जिसमें रोगियों के रक्तस्रावी बुखार होने का खतरा बढ़ सकता है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में इसके मामले और भी ज्यादा हो सकते हैं। बताते चले कि राज्य में बाढ़ प्रभावित कई हिस्सों में लोगों ने स्टमक फ्लू के केस बढ़ते हुए देखे हैं। पेट में संक्रमण की स्थिति डायरिया, पेट में दर्द, उल्टी दस्त जैसे लक्षणों के कारण बन सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि दूषित जल की वजह से पाचन में गड़बड़ी के साथ लिवर से संबंधित बीमारियों का भी खतरा बढ़ रहा है, जिसको लेकर सभी लोगों को विशेष सावधानी बरतते रहने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।